हेलो दोस्तों, आज से अपन पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के ऊपर एक पूरी सीरीज लाने वाले हैं, जिसमें मैं आपको पिक्सआर्ट के आर टूल्स के हिडन फीचर बताने वाला हूं। तो आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे, आगे से पिक्सआर्ट से कोई भी इशू नहीं आएगा। तो आज का अपना फर्स्ट एपिसोड होगा, वो होगा रिकवर पिक्सल क्वालिटी, और उसमें भी फर्स्ट टूल आता है, वो आता है स्ट्रेच वाला। तो चलिए देखते हैं स्ट्रेच वाला ऑप्शन। सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर आ जाएंगे, प्लस वाले आइकन पे टैप करने के बाद एडिट वाले ऑप्शन में जाएंगे और अपनी कोई भी एक फ़ोटो इंपोर्ट कर लेंगे। जैसे ये फ़ोटो मैंने अपनी इंपोर्ट कर ली है, वो पिक्सल्स दिखा देता हूँ। ये देखिए पिक में काफ़ी शार्पनेस नज़र आ रही है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। अब हम सिंपली टूल्स वाले ऑप्शन में चलते हैं और स्ट्रेच वाले में जाएंगे, जूम इन कर लेते हैं, साइज फोटो के अकॉर्डिंग रख लेते हैं और जिस जिस पार्ट पे अपन को स्ट्रेच करना है उसके ऊपर करते रहेंगे। ओके कर लेंगे, मैं चेक करा दूंगा आपको। देखिए पिक्सल्स मतलब एकदम से ख़त्म ही हुए हैं, काफ़ी फट गए हैं। देखिए होल्ड करके रखता हूँ और आपको दिखा देता हूँ बिफ़ोर एंड आफ्टर। ये बिफ़ोर थे जो पिक्सल्स काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे थे, अच्छे थे, और ये आफ्टर मतलब ख़त्म ही हो गए हैं एकदम से। तो ड्रो टूल में चलते हैं, ठीक है। ड्रो टूल में जाने के बाद लेयर पैनल ओपन करते हैं और फोटो लेयर ऐड करते हैं। फोटो लेयर वही ऐड करेंगे जो अपन ने स्ट्रेच से पहले यूज की थी, फोटो वही ऐड करेंगे। तो ये रही वो फोटो जिस पे स्ट्रेच का इफेक्ट नहीं आया हुआ है, ओके कर लेंगे। क्रॉप श्रॉप नहीं करना है कोई, लेयर पे नल वापस से ओके कर लेंगे अपन, जूम इन कर लेंगे और इरेजर वाला टूल लेंगे। ओपेसिटी इसकी 75 के अराउंड रख लेनी है, ओके कर लेना। और जिस जिस पार्ट पे अपन ने स्ट्रेच किया था उस पर इरेजर लगा देना है, डन कर लेना। ये देखिए मैं बिफोर आफ्टर करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए बिफोर और आफ्टर, बिफोर आफ्टर, पिक्सल्स वही है। ड्रो टूल में चलेंगे, ड्रो करेंगे, इसको सेव इमेज कर लेंगे अपन और ये अपनी इमेज सेव हो गई है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।